वापस से क्वेश्चन नंबर सेवन इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो दैन प्रूव दैट हमें ये प्रूव करना है तो हमें गिवन क्या है हमें गिवन है सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे मल्टीप्लाइंग बी वेक्टर क्योंकि यहाँ पर देखें यहाँ पर भी बी है यहाँ पर भी वी है और यहाँ पर बी नहीं है मगर हम इसे मल्टीप्लाई बाय इस ये दो साइड्स को इक्वल बना के तीसरी साइड हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाय बी सही है तो यहाँ पर आ जाएगा ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो अब हमारे पास ये हो जाएगा ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस बी हमारे पास इक्वल होता है वन के b क्रॉस b हमारे पास इक्वल होता है b का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड साइन जीरो डिग्री तो यहाँ पर हमारे पास जीरो के आ जाता है वन डॉट वन इंटू जीरो तो b स्क्वेर इज इक्वल टू हमारे पास जीरो आ जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास जीरो प्लस सी क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो यहाँ पर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस बी तो यहाँ पर ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू माइनस सी क्रॉस बी हम लिख सकते हैं ये इधर प्लस का है एक मिनट यहाँ पर प्लस का है इधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा तो ये हम इसे क्योंकि हमारे पास एस हमारे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए तो यहाँ पर हम बी क्रॉस सी को माइनस सी क्रॉस हाँ बी क्रॉस सी को हम माइनस बी क्रॉस सी क्रॉस बी लिख सकते हैं क्या आ जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी क्योंकि ये इसका नेगेटिव एस लेने से ये ही बनता है या फिर इसको भी, भी लिख सकते हैं हो गया कि A B B C. अब हम सिमिलरली इसके इक्वल है तो फिर सिमिलरली ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू सी क्रॉस ए इसी की तरह सही है तो अब हम लिख सकते हैं इसे वन नाम दे देते दे हैं इसे टू दे, दे, दे सकते हैं नाम बाय वन एंड टू वन एंड टू हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हम राइट हैंड साइड भी इक्वल बना सकते हैं यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी एंड इक्वल टू सी क्रॉस प्रूफ नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर एट प्रूव दैट साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा तो इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास सेवन पॉइंट थ्री के क्वेश्चन नंबर अलेवन की तरह है तो इसमें सबसे पहले हम ये ओरिजिन पॉइंट होता है और ये हमारे पास एक्स एक्सेस और ये हमारे पास वाई एक्सेस तो इसमें हम दो पॉइंट्स लेंगे इसमें हम एक्स एक्सिस में ही लेंगे उसमें हमने वाई एक्सेस पर भी लिया था बट इसमें हम एक्स एक्सेस में लेंगे ये ए पॉइंट है और ये हमारे पास बी पॉइंट है सही है तो यहाँ से ओरिजिन से ए पॉइंट तक का डिस्टेंस को एंगल के मेजर करेंगे अल्फ़ा और ये हम जो एंगल होगा वो हमारे पास बीटा होगा और ये जो रिमेनिंग एंगल होगा हमारे पास ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा सही है तो अभी हमने जो सपोज किया वो लिख देते हैं वी मे वी टेक Two points A and B in a plane such that O A and O B is making. एंगल ओ ए और ओ ए और ओ बी एंगल जो बना रहे हैं वो है अल्फा एंड बीटा विद एक्स एक्सेस एक्स एक्सेस और जो हमारे पास ओ ए मैगनीट्यूट है वो इक्वल है ओ बी मैगनीट्यूट के और वो दोनों हमारे पास इक्वल हैं वन के अब इसके बाद हमने फाइंड करना है ओ ए मैग्नीट्यूट वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा कॉस अल्फ़ा आई प्लस साइन अल्फ़ा जे सही है और ओ बी मैग्नीट्यूट हमारे पास इक्वल हो जाएगा कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे अब हमने फाइंड करना है डिस्टेंस अब हमने इसका लेना है क्रॉस प्रोडक्ट ओ ए क्रॉस ओ बी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा आई जे और के यहाँ पर हमारे पास है कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा और यहाँ पर के की वैल्यू है ही नहीं तो ज़ीरो पर हमारे पास कॉस बीटा साइन बीटा और ये भी हमारे पास ज़ीरो अब उसके बाद हमने फ़ाइन करना है डिटर्मिनेंट साइन अल्फ़ा साइन बीटा ज़ीरो ज़ीरो माइनस जे तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा ज़ीरो ज़ीरो यानी हमने फर्स्ट में फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो एक्सपेंड कर दिया मतलब एक्सक्लूड कर दिया सेकंड में सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो थर्ड में थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो सही है तो प्लस के इसमें हम ऐसे एक्सपेंड कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा और यहाँ पर साइन अल्फा और साइन बीटा सही है ये वाला तो हमारे पास ज़ीरो ही हो जाएगा मैंने जीरो माइनस ज़ीरो माइनस जे ये भी हमारे पास ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस के यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा साइन अल्फा सही है ये बचा हमारे पास और यहाँ पर हम ना बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर डेफिनेशन ऑफ वेक्टर के लिए क्या फार्मूला यूज होता था हमारे पास यू क्रॉस वी इज इक्वल टू यू का मैग्नीट्यूड और वी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा एन वेक्टर, एन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ओ ए का मैग्नीट्यूड इंटू ओ बी का मैग्नीट्यूड साइन हमारे पास यहाँ पर क्या था ओ ए और ओ बी का अल्फ़ा माइनस बीटा तो यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू यहाँ पर के वाली वैल्यू प्लस के पोजिशन वैक्टर अगर लगाएं तो यहाँ पर हमारे पास के आ जाएगा और यहाँ पर हम इसे थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं साइन वाली वाली पहले और कॉस वाली बाद में तो यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा सही है तो हमारे पास हमने स्टार्टिंग में लाइट कर लिया था कि ये दोनों वन के इक्वल है मैग्नीट्यूड में यहाँ पर वन आ जाएगा वन आ जाएगा यहाँ पर साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू यहाँ पर के माइनस के और ये सारा सेम अब हम के को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर दोनों साइड पे मॉडल्स लेंगे मॉडल्स से हमारे पास जो आ, ये वाली टर्म है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है और ये हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है तो वन का स्क्वेयर वन इक्वल आ जाएगा और ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास आंसर जो बचेगा वो होगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा बस प्रूफ हो गया अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो वर्ट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अबाउट ए एंड बी तो अगर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा तो इसका मतलब कि ए एंड बी वेक्टर्स आर पैर और दोनों ए के टाइम पे पैरर और परपेंडिकुलर नहीं हो सकते इट मींस और जब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होगा इज इक्वल टू ज़ीरो तो हमारे पास ए एंड बी आर परपेंडिकुलर सही है परपेंडिकुलर टू बी और ये जब भी होता है जब हमारे पास कोई कांस्टेंट बीच में हो एम बी जब भी हमारे पास ए लैम्डा बी होता है पैर बी होता है तो ए टू बी सही है तो ये हमारे पास एक्सरसाइज सेवन पॉइंट फोर थी आई होप आपको समझ आई हो थैंक्स फॉर वॉचिंग